क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो है, परेशान लग रहे हैं। खैरियत? पता नहीं फरीदा, मुझे आजकल सिर्फ एक ही एहसास रहता है कि मैंने अशर और खैरत की शादी कराकर बहुत बड़ी गलती की। आप क्या इसलिए परेशान है कि अशर रोज देर से घर आने लगा है? तो क्या हुआ? मसरूफ होगा, काम होगा उसे। वैसे भी तो आप खैरत का कितना ख्याल रखते हैं। अगर ईमानदारी से मैं इन सब चीजों का तजिया करूं ना, तो अशर का रवैया बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने ये फैसला थोपा था उस पर, वो तो शादी के लिए रजामंद नहीं था, मैंने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई है। अब वो घर से भाग रहा है, ना मुझे खिरत खुश नजर आती है ना अशर, और इन दोनों में फ्रेंकली मैंने कभी बातचीत करते ही नहीं देखा, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, एक अजीब एबनॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच बताओ, कभी कभी मुझे अशर की आंखें इल्जाम देती हुई लगती है, वो नाराज नाराज सा लगता है। अब तो शर्मिंदगी सी होती है उसके सामने मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप बसीरत? आप ही का बेटा है, आप ही की तरह रिश्ते निभाना जानता है, और वो ये रिश्ता भी निभाएगा। बात फकत रिश्ता निभाने की नहीं है फरीदा, अशर मेरा बेटा है और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो मसलहत के तहत ये रिश्ता निभाए। मैं चाहता हूं कि वो खुशी खुशी इस रिश्ते को अपनाए। खुदा गवाह है, अशर की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। जब मैंने ये रिश्ता किया तो मैं ये सोचता था कि अशर को खैरत पसंद आ जाएगी, लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो रहा है। शादी को वक्त ही कितना हुआ है, थोड़ा हौसला कीजिए, वक्त दें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा।